गो। हाँ तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज की क्लास में एक न्यू चीज पढ़ेंगे। कम्प्लीटली न्यू नहीं, यह टर्म्स ऑलरेडी यूज किया जा चुका है, लेकिन थ्योरेटिकली आज न्यू ही पढ़ेंगे। इवन एंड ऑड फंक्शंस, ठीक है। इवन फंक्शन ऑड फंक्शन क्या होते हैं देखते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं इवन फंक्शन से। अभी कौन से वाले फंक्शन को हम इवन फंक्शन बोलते हैं, देखो बेटे। ए फंक्शन इज इवन फंक्शन व्हेन एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मतलब बेटे इनपुट, या फिर इनपुट को आर्गूमेंट ही बोलते हैं। जो ब्रैकेट के अंदर जो लिखा गया ना एक्स, उसको इनपुट या फिर आर्गूमेंट बोलते हैं। आप इनपुट का जगह एक्स रखो या फिर माइनस एक्स रखो, फंक्शन का आउटपुट सेम आता है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं इवन फंक्शन। जैसे कि एग्जाम्पल लिखते हैं, देखो बेटे हम एक एग्जाम्पल आपको देते हैं। मानो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4। अब इस फंक्शन को इनपुट में अगर हम माइनस एक्स दे तो इसका आउटपुट क्या आएगा, माइनस एक्स का पावर 4, क्योंकि इनपुट एक्स है तो आउटपुट उसका पावर 4 हो जाएगा। इनपुट अगर माइनस एक्स है तो आउटपुट क्या होगा, उसका पावर 4 हो जाएगा। माइनस का पावर 4 कितना होता है, प्लस हो जाता है। माइनस का पावर इवन नंबर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो खाली क्या रहेगा, एक्स टू दी पावर 4 रहेगा। खाली क्या होगा, एक्स टू दी पावर 4 रहेगा। तो एक्स टू दी पावर 4 असलियत में है क्या, एक्स टू दी पावर 4 हाँ असलियत में हाँ है क्या, एफ ऑफ एक्स है। तो क्या देखे कि इस फंक्शन को इनपुट में आप तो क्या देखे बेटे, इस फंक्शन का इनपुट में आप माइनस एक्स रखो या फिर एक्स रखो, दोनों इक्वल होते हैं ना। एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के साथ इक्वल आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा और एक एग्जाम्पल लेते हैं, और एक एग्जाम्पल। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सपोज मैं ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वन। आप इस फंक्शन को इनपुट में अगर एक्स की जगह माइनस एक्स दोगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इनपुट का स्क्वायर प्लस वन क्या होगा, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वन। माइनस तो एक्स का स्क्वायर क्या होगा बताओ, माइनस एक्स का प्लस खाली एक्स स्क्वायर हो जाएगा, खाली एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है, और खाली बचा एक्स का स्क्वायर। एंड एक्स का स्क्वायर प्लस वन क्या है भाई, एफ ऑफ एक्स ही तो है। क्या है, एफ ऑफ एक्स ही तो है। इतना लेट में सब आते हैं, बहुत डिस्टर्ब करते हैं। हाँ तो बेटे यहाँ पर देखो बेटे, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ गया, किसके बराबर आ गया, एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया। तो इस तरह के फंक्शन जिनमें कि एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाता है, इस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं इवन फंक्शन। क्या बोलते हैं इनको, इवन फंक्शन। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड इवन फंक्शंस। तो इवन फंक्शन में होता क्या है ना, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ जाता है। अब भाई देखो ये इवन फंक्शन हम 11th में ही पढ़ चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर में। सिर्फ आयुष्कांत आप नहीं पढ़े हो क्योंकि आप अप्लाइड मैथमेटिक्स के हो, लेकिन जो रेगुलर मैथमेटिक्स के हो फिर भी आप सुन लो। देखो बेटा आप लोगों को याद है हम लोग पढ़े थे कि जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स सेक एक्स कॉस एक्स टैन एक्स कॉट एक्स, ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इनमें से 2 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस इवन फंक्शंस होते हैं। वो है कॉस एक्स एंड सेक एक्स, कॉस एक्स एंड सेक एक्स। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, और एक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स। ये जो 2 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है इवन फंक्शन होते हैं, क्योंकि अगर आप इनपुट में इनको एक्स का जगह माइनस एक्स दोगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा, कॉस माइनस एक्स। एंड कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये हम 11th से पढ़ चुके हैं। कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स है ना, मतलब कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। माइनस एक्स का कॉस निकालोगे जो आएगा, एक्स का कॉस भी वही आता है, वो हम 11th से पढ़ चुके हैं। तो कॉस एक इवन फंक्शन है, सेक भी एक इवन फंक्शन है, क्योंकि सेक में भी क्या होता है, वही होता है एफ ऑफ माइनस एक्स। बेटा अगर इनपुट में एक्स का माइनस एक्स दोगे तो इसका आउटपुट आएगा सेक ऑफ माइनस एक्स। सेक ऑफ माइनस एक्स कितना होगा, सेक एक्स। पढ़े थे हम कॉस हाँ एंड सेक ऐसा काम करते हैं, कॉस माइनस एक्स सेक एक्स, कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स आ जाता है, सेक माइनस एक्स सेक एक्स आ जाता है। जो एंगल का जो माइनस है वो गायब हो जाता है, याद। तो कॉस एक्स एंड सेक एक्स ये भी इवन फंक्शन है।
तो इवन फंक्शन में एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आता है। अच्छा इवन फंक्शन का ग्राफ जरा देखो, इवन फंक्शन का ग्राफ अगर आप देखोगे दैट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। इवन फंक्शन का जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस के अबाउट पर सिमेट्रिक है। देखो यहाँ पर ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब ये देखो बेटे ये फंक्शन का, ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वन। फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वन। अभी जस्ट देख के आए हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या है बेटे, इवन फंक्शन है। जस्ट अभी देख के आए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या होगा, इवन फंक्शन होगा, अभी जस्ट देख के आए। तो आप अगर बेटे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वन का ग्राफ ड्रॉ करोगे, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। और ये ग्राफ को बेटे अगर ऑब्जर्व करो तो ये वाई एक्सिस के अबाउट पर सिमेट्रिक है। मतलब क्या है बेटे, वाई एक्सिस के दोनों तरफ ग्राफ पूरा सेम दिखता है। देखो बेटे वाई एक्सिस के इस तरफ ग्राफ ऐसा है एंड उस तरफ ग्राफ ऐसा है, देख रहे हो। वाई एक्सिस के दोनों तरफ ग्राफ सिमेट्रिक होता है, वाई एक्सिस के इस तरफ ग्राफ ऐसा और इस तरफ ग्राफ ऐसा है ना मेरा सोच रहे। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर वाई एक्सिस को मिरर पकड़ लो, अगर वाई एक्सिस को मिरर पकड़ लो तो बेटे एक साइड में जो आपका ग्राफ का पोर्शन है दूसरे साइड में उसका इमेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, उसका इमेज आ जाएगा। तो बोल सकते हैं कि इवन फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है ना, दैट इज सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अबाउट पर सिमेट्रिक होता है। तो बेटे अगर सपोज मैं आपको एक इवन फंक्शन का ग्राफ आपको दूं, सपोज ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। सपोज मैं आपको एक इवन फंक्शन का ग्राफ इसे बना के दिया, क्या ये इवन फंक्शन का ग्राफ है? नहीं है, क्योंकि इवन फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है बेटा, वाई एक्स का अबाउट पर सिमेट्रिक होना चाहिए, वाई एक्स के इस तरफ जैसा उस तरफ भी वैसा होना चाहिए। ये अभी इवन फंक्शन नहीं है, लेकिन आप इसको कंप्लीट खुद से कर सकते हो, दूसरा तरफ का मुझे करना नहीं, आप खुद से कंप्लीट कर सकते हो। सर बोले थे कि इवन फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, वाई एक्स का अबाउट पर सिमेट्रिक होता है। तो अगर ये इवन फंक्शन का ग्राफ है तो वाई एक्स के इस तरफ ऐसा दिख रहा है, तो वाई एक्स के इस तरफ इसका ग्राफ ऐसा हो रहा होगा। अरे है कि नहीं सिमेट्रिक, समझ में आ रहा है? कुछ ग्लीच है ये पेंटियम में, कुछ ग्लीच है। एक सेकंड रुको खाली, तो ये एक सेकंड रुको खाली। हाँ 34 35 36, ओके। हाँ तो देखो बेटे ये मतलब आप समझ पा रहे होगे, सेंस समझ पा रहे होगे, अच्छे से ड्रॉ नहीं हो पा रहा है, नींव खराब हुआ है, तो डोंट वरी अबाउट इट। आपका ग्राफ का जो ये ग्राफ कंप्लीट नहीं हुआ था तो हमने कंप्लीट किए, वाई एक्सिस के उस तरफ है ना उसका इमेज बनेगा, है ना उसका इमेज बनेगा, हाँ ठीक है, इस तरफ जैसा उस तरफ वैसा बनेगा। अच्छा तो इवेंट फंक्शन का ग्राफ समझ गए, वो सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस होता है। अच्छा एक इंटरेस्टिंग सा फंडा देखो इवेंट फंक्शन में क्या होता है बेटे। देखो यहाँ पर, यहाँ पर देखो ये ग्राफ में देखो, आपको पता है कि इवन फंक्शन का, इवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ माइनस एक्स करो या फिर एफ ऑफ एक्स करो, दोनों इक्वल होते हैं। तो अब देखो सपोज आपका एक्स इधर है और माइनस एक्स इधर है ना बेटे, अभी इनपुट एक्स का आउटपुट एफ ऑफ एक्स ग्राफ के ऊपर इधर आ रहा है, ठीक है ना। देख लो ये वाला, मतलब इधर एफ ऑफ एक्स वाला नंबर होगा, है ना। ग्राफ के ऊपर जितने भी पॉइंट होते हैं उनका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, इनपुट होता है, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, आउटपुट होता है ना। इनपुट एक्स पर आउटपुट एफ ऑफ एक्स, देख रहे हो कि नहीं। अच्छा इनपुट माइनस एक्स पर भी इसका आउटपुट वही एफ ऑफ एक्स, क्लियर हो ना। देखो बेटे इनपुट माइनस एक्स पर भी इसका आउटपुट वही आ रहा है ना, वही नंबर आ रहा है। तो एक्स माइनस एक्स दोनों पे इसका आउटपुट इक्वल आएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। अच्छा और एक इंटरेस्टिंग सा बात देखो, इवन फंक्शन का ग्राफ में सपोज एक पॉइंट इधर है, सपोज एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ए है एंड वाई कोऑर्डिनेट बी है, मतलब ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, ए कमा बी, ठीक है, और इवन फंक्शन है। अच्छा इसका एक्स कोऑर्डिनेट ए वाई कोऑर्डिनेट बी ग्राफ के ऊपर है, इसका मतलब जरूर इस फंक्शन में अगर इनपुट ए दोगे तो आउटपुट इसका क्या निकल रहा होगा, बी निकल रहा होगा, है ना, इसीलिए तो ये पॉइंट ग्राफ के ऊपर है। अब ये इवन फंक्शन है तो इनपुट में अगर आप ए का जगह माइनस ए दोगे तो आउटपुट क्या अलग निकलेगा क्या, वही तो निकलेगा, क्योंकि इवन फंक्शन में क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एफ ऑफ माइनस एक्स। तो ए का आउटपुट बी आ रहा है तो माइनस ए का आउटपुट भी इसका बी ही आएगा, मेरे पास समझ लो, क्योंकि इवन फंक्शन में एक्स माइनस एक्स दोनों का आउटपुट सेम आते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। तो बेटे माइनस ए कमा बी पॉइंट भी इस ग्राफ के ऊपर जरूर रहेगा, मेरे पास समझ रहे हो। यहाँ पर इस डिस्टेंस में ए है ना, पीछे भी ए डिस्टेंस में, कहाँ पर क्या होगा बेटे, इधर माइनस ए होगा,
और माइनस ए पे भी फंक्शन का आउटपुट वही आएगा, ये पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट क्या जाएगा, माइनस ए कमा बी। तो फंडा ये है कि इवन फंक्शन के ग्राफ में अगर ए कमा बी नाम का एक पॉइंट है तो उसके ऊपर और एक पॉइंट जरूर होगा माइनस ए कमा बी। क्या होगा? माइनस ए कमा बी। ये खाली थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन है, इससे एग्जाम में कोई सवाल नहीं आएगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। लेकिन आई होप आप समझ गए इवन फंक्शन के ग्राफ में अगर ए कमा बी एक पॉइंट है तो और एक पॉइंट उसके ऊपर जरूर होगा, वो क्या होगा, माइनस ए कमा बी। फॉर एग्जाम्पल एक इवन फंक्शन है एंड उसके ऊपर एक उसके ग्राफ के ऊपर एक पॉइंट है मानो -7.5, तो आई गारंटी यू उसी के ग्राफ के ऊपर और एक पॉइंट जरूर होगा 7.5। क्या होगा? 7.5। क्लियर और नॉट? मतलब इनपुट -7 पर उसका आउटपुट 5 आ रहा है, तो बट इवन फंक्शन अगर है तो इनपुट 7 में भी इसका आउटपुट वही आएगा, बिकॉज इवन फंक्शन में अगर ये इवन फंक्शन है तो एफ ऑफ -7 एफ ऑफ 7 के साथ बराबर आएगा। अरे समझ रहे हो ना, इवन फंक्शन तो ऐसा ही होता है। तो बेटा अगर -7 पे इसका आउटपुट 5 आ रहा है तो 7 पे इसका आउटपुट भी 5 आएगा। तो बेटा अगर -7.5 नाम का एक पॉइंट आपका ग्राफ के ऊपर है तो 7.5 नाम का पॉइंट भी आपके ग्राफ के ऊपर जरूर होगा। तो वही बात कर रहे हैं, आगे चलते हैं। अबे बात सुनो, इवन फंक्शन का नाम ऐसा क्यों हुआ है, क्यों हम इनको इवन फंक्शन बोल रहे हैं? देखो बेटे, मतलब कुछ फंक्शन है जैसे कि आप एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 2 ले जाओ, एक्स स्क्वायर ले जाओ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4 ले जाओ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 6 ले जाओ, मतलब एक्स का कोई एक इवन नंबर एज पावर ले जाओ, है ना। ऐसे वाले जितने भी फंक्शन आप बना सकते हो, एक्स टू दी पावर 100, एक्स टू दी पावर 2000, मतलब एक्स का पावर एक इवन नंबर ले जाओ, ये सबके सब इवन फंक्शन होते हैं। क्योंकि आप देखना यहाँ पर एफ ऑफ माइनस एस क्या होगा, माइनस एस का स्क्वायर। अरे देखो एफ ऑफ हाथी क्या होगा, हाथी का स्क्वायर। एफ ऑफ माइनस एस क्या होगा, माइनस एस का स्क्वायर। अभी माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, तो खाली एक्स का स्क्वायर हो गया, विच इज एफ ऑफ एक्स। तो माइनस एक्स का फंक्शन का आउटपुट एंड एक्स का फंक्शन का आउटपुट सेम आ रहा है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये भी इवन फंक्शन है, ये भी होगा इवन, ये भी होगा इवन, क्योंकि यहाँ पर भी देखो एफ ऑफ माइनस सिक्स एक्स क्या होगा, माइनस एक्स का पावर 6। अभी माइनस का पावर 6 करोगे तो प्लस आएगा, तो खाली रहेगा एक्स टू दी पावर 6, एक्स टू दी पावर 6 क्या है, एफ ऑफ एक्स। तो इन सारे केसेस में आप देख पा रहे होगे कि एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के साथ बराबर आ रहा है, तो इसी वजह से हम इसको इवन फंक्शन बोलते हैं। मतलब अगर एक्स का पावर इवन लेते हैं तो इवन फंक्शन होता है, इसी वजह से इवन फंक्शन बोलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर इवन फंक्शन ऐसा दिखने लगा लगे, मतलब पावर कुछ इवन नंबर ऐसा दिखने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि देखो बेटा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये भी मेरा इवन फंक्शन है। क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, कॉस माइनस एक्स, और बताया था बेटे फर्स्ट ईयर में कॉस माइनस थीटा एंड कॉस थीटा सेम होते हैं, तो कॉस माइनस एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू कॉस एक्स। तो कॉस एक्स भी इवन फंक्शन है, दिस इज ऑल्सो इवन फंक्शन। तो इसमें कोई पावर इवन इवन को दिया है क्या? नहीं। तो नाम इवन फंक्शन है तो ये मत समझ लेना कुछ पावर हमेशा इवन नंबर हो रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये कॉस एक्स का ग्राफ है बेटे, इवन फंक्शन का ग्राफ क्या बोला था अभी जस्ट, वाई एक्स के अबाउट पर सिमेट्रिक होता है, मतलब वाई एक्स के राइट साइड पर ग्राफ जैसा होता है, वाई एक्स के लेफ्ट साइड पर भी ग्राफ वैसा होता है। अब जरा चेक करो, ये वाई एक्स से वाई एक्स का लेफ्ट राइट में देखो ग्राफ ऐसा है, देखो ऐसा है कि नहीं, उसके लेफ्ट में भी देखो ऐसा ही है। अरे देख रहे हो ना, वैसा ही है, समझ रहे हो ना। यस सर, मतलब अबाउट द वाई एक्सिस क्या है बेटे, सिमेट्रिक है, ठीक है ना। आप अगर वाई एक्सिस के अबाउट पे एक बार रोटेट कर दो ग्राफ सेम आ जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसा समझ लो कि वाई एक्सिस मिरर है और ये बंदा मिरर के सामने खड़ा है तो उसका इमेज ऐसा आएगा ऑब्वियसली। बस अब इंटरेस्टिंग सा बात है कि बेटा इवन फंक्शन, आप अगर किसी फंक्शन में पावर अगर इवन नंबर देख लो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इवन फंक्शन हो जाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल सपोज दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। भाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स टू दी पावर 4, एक्स टू दी पावर 6, ये सब इवन फंक्शन होते हैं, समझ में आता है, कारण भी देखे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जिधर भी पावर या इवन नंबर देख लोगे उसको इवन फंक्शन बोल दोगे, ऐसा नहीं होता है, चेक भी करना पड़ता है। भाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको अगर खोलोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के। अच्छा अगर इसको इनपुट में आप एक्स की जगह माइनस एक्स दो, एफ ऑफ माइनस एक्स का आउटपुट क्या आएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर जो कि एक्स स्क्वायर होता है, प्लस 1 प्लस 2 इंटू माइनस एक्स, मतलब क्या हो जाएगा,
माइनस टू एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या एफ ऑफ एक्स बराबर आया क्या? एफ ऑफ एक्स तो है एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स, ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के साथ बराबर होगा तब हम इवन फंक्शन बोलेंगे, वैसे पावर देख के नहीं बोल सकते, क्लियर है ना। इनको याद रख लो बेटे, अगर दे रखा है एक्स टू दी पावर टू, एक्स टू दी पावर फोर, एक्स टू दी पावर, खाली एक्स का पावर अगर कुछ दिया है और इवन नंबर दिया है तो हम बोल देंगे हाँ ये इवन फंक्शन है। लेकिन हर जगह पावर इवन लिखा हुआ है, कोई भी एक्सप्रेशन का पावर इवन नंबर है तो उसको इवन फंक्शन मत बोल देना, चेक भी करना पड़ेगा ठीक है, क्या एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ बराबर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अच्छा अभी आते हैं ऑड फंक्शन, अब सुनो मेरे बात। ऑड फंक्शन में क्या होता है ना, एफ ऑफ माइनस एक्स इजिकल टू माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाता है, एफ ऑफ माइनस एक्स इजिकल टू माइनस एफ ऑफ एक्स होता है। मतलब अगर बेटा इनपुट में आप एक्स की जगह माइनस एक्स रख लो तो इनपुट का जो माइनस साइन है ना बेटे वो फंक्शन का बाहर आ जाता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स क्यूब, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस एक्स का क्यूब, इनपुट अगर एक्स है तो आउटपुट उसका क्यूब है, इनपुट अगर माइनस एक्स है तो आउटपुट क्या होगा, माइनस एक्स का क्यूब आ जाएगा। अभी माइनस का पावर ऑड नंबर करोगे तो माइनस आता है तो बाहर आ जाएगा, और एक्स का क्यूब मतलब माइनस वट इज एक्स क्यूब, एक्स क्यूब इज एफ ऑफ एक्स। तो क्या देख रहे हो कि इनपुट माइनस एक्स अगर देते हो तो माइनस साइन क्या आ जाता है बेटा, बाहर आ जाता है ना, माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाता है। तो अगर बेटे एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स हो गया तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन, क्या बोलते हैं ऑड फंक्शन ठीक है। ऑड फंक्शन का डेफिनेशन होता है एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाना, है ना। अगर ऐसा हुआ तो हम उसको ऑड फंक्शन बोलेंगे ठीक है। अच्छा अरे सबको समझ में आ रहा है, यहाँ पर क्या होगा देखो बेटे, सपोज आप टू इनपुट में दिए, इसका आउटपुट क्या आएगा देखो, टू का क्यूब एट, अगर इसको इनपुट है माइनस टू दिए तो आउटपुट क्या आएगा, माइनस टू का क्यूब, माइनस टू का क्यूब कितना होता है रे, माइनस एट, एट अरे माइनस माइनस माइनस, तो क्या माइनस आया, एट तो क्या आया देख रहे हो, एफ ऑफ माइनस टू इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ टू आया कि नहीं, हाँ एफ हाँ ऑफ सर माइनस टू इज इक्वल टू माइनस एट, और एट आपका क्या एफ ऑफ टू है, तो ये आया कि नहीं माइनस एफ ऑफ टू, तो एफ ऑफ माइनस टू इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ टू, तो ये हमेशा ऐसा ही होगा है ना, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन बोलते हैं। इवन फंक्शन में क्या हो रहा था, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ जा रहा था। जैसे कि यहाँ पर देख लो, यहाँ पर अगर बेटा आप इनपुट में टू देते हो आउटपुट क्या आता है, टू का पावर फोर सिक्सटीन, अगर इनपुट में माइनस टू भी दोगे तो आउटपुट क्या जाएगा, माइनस टू का पावर फोर 16। वही सिक्सटीन। मतलब यहाँ पर क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, दोनों सेम होते हैं, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स दोनों सेम होते हैं, एफ ऑफ माइनस टू एफ ऑफ टू दोनों सेम आए। तो इवन फंक्शन में एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आता है, लेकिन ऑड फंक्शन में एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आता है ठीक है। आई होप आप समझ गए। अच्छा अब सुनो मेरे बात, अब गौर करके देखो ऑड फंक्शन का ग्राफ। भाई ऑड फंक्शन का एक एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स क्यूब माइनस एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। अच्छा अगर आप इसको माइनस एक्स इनपुट में दो, इसका आउटपुट क्या आएगा, माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस एक्स। अरे समझ रहे हो, हैं जिधर जिधर एक्स लिखा है उधर उधर माइनस एक्स लिख यस लेंगे, माइनस एक्स का क्यूब क्या होगा, माइनस क्यूब माइनस, तो ये जाएगा माइनस एक्स क्यूब, माइनस माइनस प्लस एक्स। अच्छा दोनों में से अगर माइनस कॉमन ले आओ तो माइनस होल इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स। अच्छा एक्स क्यू माइनस एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आ रहा है कि नहीं, यस यस। तो बेटा ये क्या है बेटा, ऑड फंक्शन है, ये क्या है ऑड फंक्शन है। अच्छा आप एक नंबर इनपुट में देके देखो जरा, आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। एफ ऑफ टू क्या होगा, टू का क्यूब माइनस टू कितना आ जाएगा, सिक्स। अच्छा एफ ऑफ माइनस टू क्या होगा जरा देखो, माइनस टू का क्यूब माइनस एक्स की जगह माइनस टू, अरे समझे हो ना, माइनस टू का क्यूब कितना होता है बेटे, माइनस एट होता है, और ये माइनस माइनस टू मतलब प्लस टू,
मतलब -2 -8 +2 कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। अरे समझ रहे हो, सर। तो यहाँ पर एफ ऑफ -2 क्या आया, -6 आया, और 6 क्या है बेटा, एफ ऑफ 2 है, मतलब -f(2) आया। तो एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू -f(2) आ, ये भी क्या हो गया, ये क्या हो गया बेटे, ऑड फंक्शन हो गया है ना, ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन में एफ ऑफ -6 इज इक्वल टू -f(x) आता है। अब इस फंक्शन का ग्राफ उसने ड्रॉ, ये फंक्शन का उसने ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ किया है। अब जरा ग्राफ को देखो बेटे, ये जो ग्राफ है ना बेटे, ये ग्राफ होता है सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन। इवन फंक्शन का ग्राफ क्या था बेटे, सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस था ना बेटे, याद है, इवन फंक्शन का जो ग्राफ था वो वाई एक्सिस के अबाउट पर सिमेट्रिक था, वाई एक्सिस के इस पार जैसा दिखेगा उस पार भी वैसा ही दिखेगा। लेकिन जो ऑड फंक्शन है उसका ग्राफ क्या होता है बेटा, ओरिजिन के दोनों तरफ सिमेट्रिक होता है, ओरिजिन के अपोजिट साइड पे ग्राफ सिमेट्रिक होता है। मतलब क्या होता है देखो बेटे, सपोज ये मेरा ओरिजिन है बेटा, ओरिजिन से सपोज मैं ग्राफ के ऊपर एक पॉइंट है यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। और बेटे वही सेम डिस्टेंस में अपोजिट साइड में मैं अगर एक लाइन ड्रॉ करूँ तो बेटा आपको ग्राफ के ऊपर इसका एक सिमेट्रिक पॉइंट मिलता है। अरे देख रहे हो ना, अब देखो ना जरा, देखो ऐसा गया है ऊपर, ऐसा आया नीचे, अरे देख रहे हो ना, इस पॉइंट का सिमेट्रिक पॉइंट देखो ये है, क्लियर है नॉट। अच्छा आप ग्राफ, आप ओरिजिन से ये वाला पॉइंट जरा देखो, ये वाला पॉइंट जोड़ो इसको, अभी इक्वल डिस्टेंस में अपोजिट साइड में जोड़ो, देखो ये वाला पॉइंट इसका सिमेट्रिक पॉइंट है, देख रहे हो कि नहीं, ये वाला पॉइंट इसका सिमेट्रिक पॉइंट है। तो क्या देख रहे हो बेटे कि ऑड फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन होता है। मेरा बात समझ रही हो, क्या होता है, सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन होता है। हेलो, गेट इट और नॉट, गेट इट। अच्छा यस यस अच्छा अच्छा और एक बात सुनो, अच्छा आप जरा ये ग्राफ को, ये जो ग्राफ है ना बेटे, सॉरी ये जो ग्राफ है इसको जरा बेटे 180 डिग्री रोटेट करो। 180 डिग्री रोटेट करने का मतलब समझो ना, 180 डिग्री रोटेट करो है ना, जो भी डायरेक्शन में करो, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, जो भी करो बेटा एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे करके 180 डिग्री रोटेट करो। मतलब देखो ऐसा है ना, 180 डिग्री घुमा दो, देखो बेटा ग्राफ वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करो। यस सर, वही 180 डिग्री रोटेट करने के बाद वही आ रहा है, सबका वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस मैम, यस सर। आ रहा है बस। तो ये भी उसका एक प्रॉपर्टी आप देख लो है ना, कि सीमेंट, इसको बोलते हैं रोटेशनल सिमेट्री। तो जो भी है आप ऐसा समझ लो कि ओरिजिन के दोनों तरफ ही सिमेट्रिक है, इसीलिए बोलते हैं कि ऑड फंक्शन का जो ग्राफ होता है दैट इज सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन, ठीक है। आगे चलते, अच्छा ये गया। अब बेटे और एक ऑड फंक्शन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सा। अच्छा दूसरा बात है, हम इनको ऑड फंक्शन क्यों बोलते हैं, उसका कारण क्या है, उधर देख लिया इवन फंक्शन क्यों बोलते हैं, इधर ऑड फंक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा आप अगर ऐसा कुछ फंक्शंस लोगे ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 5, मतलब एक्स का पावर एक ऑड नंबर लोगे ना एटसेट्रा, ये सब हमेशा आपका ऑड फंक्शन होते हैं। आप चेक कर लो, ये भी ऑड फंक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर एफ ऑफ एक्स अगर एक्स है तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस एक्स। हाथी क्या होगा, एफ ऑफ हाथी क्या होगा, हाथी। एफ ऑफ घोड़ा क्या होगा, घोड़ा। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस एक्स हो जाएगा। तो बेटा माइनस एक्स क्या है आपका असलियत में, एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स आ रहा है, मतलब ये भी क्या है, ऑड फंक्शन है। उस तरह ये भी ऑड फंक्शन होगा, ये भी ऑड फंक्शन होगा। तो एक्स का पावर अगर ऑड नंबर ले जाते हैं तो ऑड फंक्शन हो जाता है, इसी वजह से हम इनको ऑड फंक्शन बोलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया के सारे ऑड फंक्शन में पावर कुछ ऑड नंबर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ तो बेटा आते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे, बट छह जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उनमें से हम आपको बताए थे सिर्फ दो ऐसे हैं, कॉस एंड सेक, वो दोनों इवेन होते हैं। कॉस सेक को छोड़ के बाकी के जो चार हैं, जैसे कि साइन एक्स रहा, कॉसेक एक्स रहा, टैन एक्स रहा, कॉट एक्स रहा, ये जो बाकी के चार ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं ये सब ऑड फंक्शंस होते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉसेक एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टैन एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स, दीज आर ऑल ऑड फंक्शंस। क्यों, क्योंकि बेटा आपको फर्स्ट ईयर में मैंने पढ़ाया था साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू
माइनस साइन एक्स, तो एंगल का जो माइनस है वो बाहर आ जाता है, साइन का बाहर आ जाता है। कॉसेक माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स, टैन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टैन एक्स, कॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स। मतलब इसको अगर बेटे आप, अरे समझ रहे हो, यहाँ पर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स होता है, मतलब इनपुट का जो माइनस होता है बाहर आ जाता है। तो ये जो फंक्शंस होते हैं साइन एक्स कॉसेक एक्स टैन एक्स कॉट एक्स, जो बाकी के जो चार ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये क्या होते हैं बेटे? ऑड फंक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? ऑड फंक्शन होते हैं, ऑड फंक्शन। देखो क्लियर है ना? और साइन एक्स का ग्राफ देखो ऐसा है। यस अच्छा बेटे, साइन एक्स का ग्राफ आपको किन कितनों को वाई एक्स के अबाउट पर सिमेट्री दिख रहा है जरा बताओ? ये वाई एक्स के अबाउट पर सिमेट्री कितनों को दिख रहा है? नहीं सिमेट्री है क्या वाई एक्स के अबाउट पर? वाई एक्स के इस सर, तरफ ऐसा है, उस तरफ क्या होना चाहिए था? ऐसा होना चाहिए था ना, ऐसा होना चाहिए था। अरे ये बंदा अगर मिरर के सामने, अगर वाई एक्स एक मिरर है और उसके सामने ये खड़ा है, तो उसका इमेज कैसा होना चाहिए था? ऐसा होना चाहिए था ना, ऐसा ऐसा नहीं। ऊपर हाँ से नीचे, सर लेकिन ऊपर से नीचे, ऊपर से ये। हाँ, तो बड़े याद रखो, ग्राफ अगर वाई एक्सिस के अबाउट पर सिमेट्रिक है तो क्या होगा? इवन फंक्शन होगा। वो क्या होगा? इवन फंक्शन होगा। ये तो इवन फंक्शन नहीं ना, ये ऑड फंक्शन है। और ऑड फंक्शन क्या होता है बेटे? ओरिजिन के अबाउट पर सिमेट्रिक होता है। ओरिजिन के अबाउट पर मतलब क्या है कि देखो ये मेरा ओरिजिन है, सपोज मैं ओरिजिन के इस पर ग्राफ के ऊपर एक पॉइंट पे ज्वाइन किया, ठीक है। अब इक्वल डिस्टेंस पे मैं अगर ओरिजिन के अपोजिट साइड में ड्रॉ करूं, तो बेटे इस पॉइंट का एग्जैक्ट सिमेट्रिक पॉइंट यहां पर मिलता है। आप जरा चेक कर लो ना, आप खुद देख लो, ये पॉइंट का सिमेट्रिक पॉइंट अपोजिट साइड में यही तो है ना, देख लो, ऐसा गया है, ये भी ऐसा गया है सिमेट्रिक, और डिस्टेंस बिल्कुल सेम है ना, इक्वल डिस्टेंस पर, ठीक है। सपोज आई होप आप समझ गए राइट, और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्लियर? अच्छा तो सपोज आप यहां से ये वाला पॉइंट देखो, इक्वल डिस्टेंस में ये वाला पॉइंट मिला, सॉरी मतलब ये डिस्टेंस में ये वाला पॉइंट मिला, और वो ओरिजिन के उस पर इक्वल डिस्टेंस पर है ना, इक्वल डिस्टेंस पर वही वाला पॉइंट आपको ग्राफ के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर वही वाला पॉइंट मिल जाएगा, हालांकि ये थोड़ा सा ग्राफ थोड़ा इनकरेक्ट है, ग्राफ थोड़ा सा गलत है, इस कैसा आया, कैसा आया, नहीं, ग्राफ क्यों अलग है? अरे मैंने गलत गलत डायग्राम बना दिया था। हाँ उसका अपोजिट साइड में ना, सेम डायरेक्शन में अपोजिट साइड, सेम इक्वल लेंथ में, ठीक है ना। हाँ मिला, अरे अपोजिट अपोजिट में, सेम ये में चलाया था, ठीक है, समझ में आया मेरे बात? देखो ये लेंथ में ये पॉइंट मिला, अपोजिट में उसको इक्वल लेंथ में ये वाला पॉइंट मिला। अच्छा ये पॉइंट एक दूसरे का सिमेट्रिक है कि नहीं जरा बताओ, पूरा सिमेट्रिक है कि नहीं? अच्छा समझ रहे हो मेरा बात? अच्छा आगे चलते हैं, इट इज एन ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन क्या होता है बेटे? सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन होता है, सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन होता है। अच्छा अब देखो बेटे, तो कोई भी फंक्शन में अगर पावर ऑफ ऑड नंबर देख लो, तो इसका मतलब थोड़ी ना उसको ऑड फंक्शन बोल दोगे, पावर ऑड नंबर देख ले तो थोड़ी ना उसको ऑड फंक्शन बोल दोगे। जैसे कि ये वाला फंक्शन देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वन, ये वाला फंक्शन, ये ऑड फंक्शन होगा क्या? नहीं, क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स यहाँ पर क्या आएगा, माइनस एक्स का क्यू प्लस वन, और माइनस एक्स का क्यू मतलब माइनस एक्स क्यू प्लस वन, क्या ये माइनस एफ ऑफ एक्स हो रहा है क्या? माइनस एफ ऑफ एक्स क्या होगा? माइनस एक्स क्यू माइनस वन होगा, ये तो माइनस क्यू प्लस वन आ रहा है, नहीं होगा ना, तो ये ऑड फंक्शन नहीं है। तो पावर ऑड देख लेते इसका मतलब नहीं क्या बोल दो कि ऑड फंक्शन, अरे मेरे बात समझ रहे हो, ठीक है बस ध्यान रखो। अब आते हैं, अच्छा ग्राफ पे कंफ्यूज हो गए क्या? मैं यहाँ पर गलत बोल दिया था आपको, देखो गलत बोल दिया था मतलब डायग्राम में गलत दिखा रहा था, मतलब ये पॉइंट है सपोज ओरिजिन के, ओरिजिन से इतना डिस्टेंस पर ये पॉइंट है, अब ओरिजिन से अपोजिट साइड में उतना ही डिस्टेंस पर, अपोजिट साइड में ना, इसका अपोजिट साइड ये होगा, इसका सिमेट्री पॉइंट आपको मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है? तो यस ऑड फंक्शन का जो ग्राफ होता है दैट इज सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन, ठीक है। आगे आते हैं, तो मजेदार बात सुनो बेटे, दुनिया के सारे फंक्शन ऐसा नहीं कि इवन या फिर ऑड होंगे, कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि इवन भी नहीं है ऑड भी नहीं है, कुछ नहीं बहुत सारे फंक्शंस इवन भी नहीं होते हैं ऑड भी नहीं होते हैं। जैसे कि आप, मैं एक एग्जांपल जस्ट देख के आए, आप चेक कर लो,
ये फंक्शन देख लो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वन। आप इसको इनपुट में एक्स का माइनस एक्स होगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा, माइनस एक्स का क्यूब माइनस माइनस एक्स प्लस वन। बेटा जहां पर एक्स लिखा उधर माइनस एक्स लिख लिया, माइनस एक्स का क्यूब क्या आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा और खाली एक्स का क्यूब माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस वन। क्या ये एफ ऑफ एक्स आया, इज इट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स? अरे एफ ऑफ एक्स आया क्या, ये एफ ऑफ एक्स तो एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वन, ये आया माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन, नहीं आया। तो इवन फंक्शन भी नहीं है क्या, ऑड फंक्शन है? नो, ये ऑड फंक्शन भी नहीं है, क्योंकि एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स क्या आता, क्या आना चाहिए, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस वन, वो है क्या, मतलब ये माइनस एफ ऑफ एक्स भी नहीं है। तो यहाँ पर एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स भी नहीं हो रहा है, माइनस एफ ऑफ एक्स भी नहीं हो रहा है, तो ये इवन भी नहीं है ऑड भी नहीं है। अरे समझो मेरा बात, ना तो इवन फंक्शन है ना तो ऑड फंक्शन है। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो कि इवन भी नहीं है ऑड भी नहीं है। अच्छा ये देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस वन का ग्राफ। अब पता है ये ग्राफ बड़े आराम से आप ड्रॉ कर पाओगे अगर आपको एक्स क्यू माइनस एक्स का ग्राफ याद हो। देखो बेटे, अभी जस्ट हम एक ग्राफ बना के आए थे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स का ग्राफ, देख रहे हो, ये था उसका ग्राफ। अब बेटे मैं अगर आपको एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस वन का ग्राफ बनाने के लिए बोलूँ ना, तो आपको क्या कर देना है, ग्राफ को बस वाई एक्सिस के अलावा पर वन यूनिट ऊपर उठा देना है। मेरे को समझ रहे हो, वन यूनिट ऊपर उठा देना मतलब ऑरिजिन से वन यूनिट ऊपर उठा दो। अरे समझ रहे हो, सपोज वन यूनिट, ठीक है, वन यूनिट ऊपर उठा दो, मतलब ग्राफ ऐसा कर दो। अरे गॉट इट, देखो वन यूनिट ऊपर उठ गया था, ऊपर उठ गया, देखो ऊपर उठ गया खाली। ऑरिजिनली एक्स क्यू माइनस एक्स का ग्राफ ऐसा था, अब हम ग्राफ को क्या किया बेटा, ऊपर वन यूनिट उठा दिए तो ग्राफ भी ऐसा हो गया। यू गेट इट और नॉट? यू गेट इट? यस सर। देखो क्या ये ग्राफ, क्या ये ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट पर सिमेट्रिक है क्या, है क्या? वाई एक्सिस का इस तरफ ऐसा है, उस तरफ कैसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, तभी तो सिमेट्रिक बोलते, नहीं हो रहा है तो इवन भी नहीं है, ऑड हो रहा है क्या? ऑड मतलब क्या होना चाहिए, ओरिजिन के दोनों तरफ सिमेट्रिक होना चाहिए, ओरिजिन का अबाउट पर सिमेट्रिक। अच्छा सपोज बेटा मैं ओरिजिन से ग्राफ के ऊपर ये वाला पॉइंट तक एक लाइन खींचता हूँ, अब इक्वल डिस्टेंस पर अपोजिट में अगर लाइन खींचूंगा तो उसका सिमेट्री पॉइंट मिल रहा है क्या, मिल रहा है क्या ग्राफ के ऊपर उसका सिमेट्री पॉइंट? नहीं, मतलब ये ये सिमेट्रिक अबाउट अबाउट द ओरिजिन भी नहीं हो रहा है, तो ये ऑड फंक्शन भी नहीं है। सो इट इज नाइदर ऑड नॉर इवन, ठीक है। अच्छा फंक्शन आपको दिया गया होगा और देख के आप बोल सकते हो कि वो इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये दिया है, तो इवन फंक्शन तो ऑड फंक्शन कैसे पता चलेगा? आप खाली एक्स की जगह क्या रख लो, माइनस एक्स रख लो, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या जाएगा बेटा? देखो जहां जहां फंक्शन का डेफिनेशन में एक्स लिखा है उधर उधर खाली अभी क्या लिख देने का, माइनस एक्स लिख देने का, है ना? तो एक्स की जगह क्या लिखना है, माइनस एक्स लिखना है, इधर एक्स का स्क्वायर है, अब क्या लिख देंगे, माइनस एक्स का स्क्वायर, माइनस एक्स का स्क्वायर सेम होता है, बाहर एक माइनस बेटा है, तो बढ़िया हो गया माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर में वही एक्स स्क्वायर माइनस वन आ गया। तो माइनस ऑफ ये क्या है बेटा, ये तो एफ ऑफ एक्स ही है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑड फंक्शन बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, राइट? अच्छा अब बेटा देखो, दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन है जो कि बोथ इवन एंड ऑड होता है, और वो है जीरो फंक्शन, जो है जीरो फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसको हम बोलते हैं जीरो फंक्शन, क्योंकि इसका इस पे इनपुट जो भी था आउटपुट हमेशा जीरो आता है, और ये फंक्शन बोथ इवन एंड ऑड होता है। क्यों बेटे? इसको अगर इनपुट में माइनस एक्स दोगे इसका आउटपुट क्या आएगा बेटे? देखो इसका आउटपुट तो हमेशा जीरो आएगा, इनपुट के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहे आउटपुट, आउटपुट एक्स के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो इनपुट में एक्स दो माइनस एक दो हाथी दो घोड़ा दो, इसका आउटपुट में से जीरो ही आने वाला है, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो आता है, मतलब इज इक्वल एफ ऑफ एक्स आ जाता है, तो ये क्या हो गया, इवन हो गया। अच्छा एक बात सुनो, माइनस जीरो भी तो जीरो ही होता है ना, माइनस जीरो और क्या होता है, माइनस जीरो मतलब माइनस वन इंटू जीरो, वो भी तो जीरो होता है, तो जीरो को माइनस जीरो भी लिख सकता हूँ, मतलब माइनस और जीरो का जगह एफ ऑफ एक्स लिख सकता हूँ, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स भी है यहाँ पर, तो ये क्या है बेटे, ऑड फंक्शन भी हो गया। तो ये बोथ इवन एंड ऑड फंक्शन है,
सिर्फ और सिर्फ ये एक है जो कि बहुत इवन ऑड है, और इसको आप डिराइव भी कर सकते हो। अगर आप भूल भी जाते हो कि जीरो फंक्शन बहुत इवन ऑड है, आप डिराइव भी कैसे कर सकते हो। देखो बेटे, सवाल है कि कौन सा फंक्शन बहुत इवन एंड ऑड फंक्शन होता है। मानो एफ ऑफ एक्स क्या है, बहुत इवन एंड ऑड है, बहुत इवन एंड ऑड, और हमें वही एफ ऑफ एक्स निकालना है। अच्छा, अगर एफ ऑफ एक्स आपका इवन फंक्शन है तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स जरूर होगा, बिकॉज इवन फंक्शन में एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल होते हैं। अच्छा, अब अगर बेटे एफ ऑफ एक्स आपका ऑड फंक्शन है, अगर एफ ऑफ एक्स आपका ऑड फंक्शन है तो बेटे एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, समझ रहे हो ना, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स ना, ऑड फंक्शन में होता है। अच्छा, तो बेटे माइनस को दोनों साइड में अगर माइनस मल्टीप्लाई कर दूँ तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स, समझ रहे हो मेरे बात, दोनों साइड अगर माइनस मल्टीप्लाई, इक्वेशन टू। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो बेटे, ये देखो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस ऐड क्या हो जाए, जीरो हो जाए, कट जाएंगे। इधर क्या आएगा, टू इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो एफ ऑफ एक्स क्या जाएगा, जीरो। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो बहुत इवन एंड ऑड होता है, ठीक है, बहुत इवन एंड ऑड होता है, ध्यान रखो। इसको आप देखो ना, इनपुट में अगर आप इसको माइनस टू दो इसका आउटपुट भी जीरो आएगा, टू भी दो इसका आउटपुट भी जीरो आएगा। मतलब आप बोल दोगे कि हाँ सर इवन फंक्शन, बेटे ऑड फंक्शन भी बोल सकते हो इसको, क्यों। अरे देखो, एफ ऑफ माइनस टू आपका जीरो आ रहा है, एफ ऑफ टू आपका क्या आ रहा है, सॉरी एफ ऑफ टू आपका जीरो आ रहा है, एफ ऑफ टू आपका जीरो आ रहा है, और एफ ऑफ माइनस टू भी आपका जीरो ही आएगा। अब जीरो को मैं माइनस जीरो भी तो बोल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम है, और ये जीरो का जगह एफ ऑफ टू भी तो लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम है, मतलब एफ ऑफ माइनस टू इक्वल माइनस एफ ऑफ टू भी तो बोल सकता हूँ, तो ये ऑड फंक्शन भी है। आगे चलते हैं, अब कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ इवन ऑड फंक्शन देखो, याद रखोगे, और इसको मैं ट्रिक से सिखाऊंगा, ठीक है, सुनो मेरे बात बेटे। इसको समझने से पहले हम आपको एक इंटरेस्टिंग सा बात बताते हैं बेटे, जैसे कि हम मैट्रिक्स में आपको सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक का जो प्रॉपर्टी उसको समझाते वक्त कुछ ट्रिक्स बताए थे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स को दिमाग में प्लस के साथ एसोसिएट करो एंड स्क्यू सिमेट्रिक को माइनस के साथ एसोसिएट करो, उसी तरह बेटे फंक्शन में जो इवन फंक्शन होता है ना उसको आप प्लस के साथ एसोसिएट करो एंड ऑड फंक्शन को माइनस के साथ एसोसिएट करो, ठीक है, क्लियर और नॉट, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब हम आते हैं आगे बेटे, मुझे बात बताओगे एक पॉजिटिव नंबर में पॉजिटिव नंबर ऐड करने से क्या मिलता है, प्लस 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 क्या होगा, पॉजिटिव में पॉजिटिव ऐड करो क्या होगा, पॉजिटिव, अरे पॉजिटिव में प्लस पॉजिटिव नंबर ऐड करो, पॉजिटिव वही आता है कि प्लस नहीं। ही होगा। हाँ, तो बेटा हम बोल सकते हैं कि एक इवन फंक्शन प्लस इवन फंक्शन आता है, मेरे को समझ रहे हो, इवन फंक्शन को प्लस के साथ एसोसिएट करो, ये ट्रिक है, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव आता है। थोड़ी याद रखो, दो इवेंट फंक्शन को ऐड करने से क्या आता है, इवेंट फंक्शन आता है। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपको अगर देता है कॉस एक्स प्लस एक्स टू दी पावर 4, और बोलेगा कि इवेंट फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, तो हमें इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटे देखो कॉस एक्स आपको सबको पता है कि कॉस एक्स इज इवेंट फंक्शन, सबको पता है, बिकॉज कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इवेंट फंक्शन होता है। एक्स टू दी पार इवेन नंबर अगर दोगे तो ये भी इवेन फंक्शन है, दोनों इवेन फंक्शन को ऐड करोगे तो क्या होगा, इवेन फंक्शन मिलता है, तो पूरा एफ ऑफ एक्स यहाँ पर इवेन फंक्शन है, यू गेट इट। आप कुछ चेक भी कर लो, आप कुछ चेक भी कर लो, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, कॉस ऑफ माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स का पावर 4, कॉस माइनस एक्स तो कॉस एक्स होता है, और माइनस एक्स का पावर 4 मतलब एक्स टू दी पावर 4 खाली हो गया, पूरा एफ ऑफ एक्स ही आ जाएगा, याद रखो। अच्छा, नेगेटिव नंबर में, नेगेटिव नंबर ऐड करने से क्या होता है जरा बताओ, ग्राफ में करके देखो, हाँ नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर ऐड करके देखो, मतलब सपोज ऐसा माइनस टू प्लस सर, माइनस थ्री, माइनस में आएगा आंसर वो अरे माइनस तो माइनस। आएगा ना, तो नेगेटिव नंबर में नेगेटिव नंबर ऐड करके तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, एवरीबॉडी हाँ गेट इट। नेगेटिव, हाँ, यस सर। और नेगेटिव को किसके साथ एसोसिएट करने के लिए मैंने बोला, ऑड के साथ एसोसिएट करने के लिए बोला, तो याद रखो कि ऑड फंक्शन में ऑड फंक्शन ऐड करने से हमें और एक ऑड फंक्शन मिलता है।
ठीक है, मतलब एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सपोज मैं आपको दूं एक्स टू दी पावर 3 प्लस एक्स टू दी पावर 5 और बोलूं कि एफ ऑफ एक्स यहाँ पर इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, तो मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है कि एफ ऑफ माइनस एक्स निकालो ब्ला ब्ला ब्ला। हम सबको पता है कि एक्स टू दी पावर 3 ये क्या है बेटा, ऑड फंक्शन है, एक्स टू पावर 5 भी ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन को ऐड करके क्या मिलता है, ऑड फंक्शन मिलता है, तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पर क्या होगा, ऑड होगा। ठीक है, अच्छा बात सुनो बेटे, प्लस में माइनस ऐड करने से क्या होता है, प्लस में माइनस ऐड करके क्या होता माइनस है, माइनस माइनस, सो माइनस माइनस, अच्छा हमेशा माइनस होगा। अच्छा देखो 5 प्लस नो सर, वो माइनस वैल्यू के, नहीं सर, सर वो हमेशा नहीं वैल्यू के होता ऊपर है। डिपेंड करेगा सर, सर वो हाँ वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा हाँ फिर। बेटे, इधर बेटे 5 रे माइनस टू ऐड कर रहा हूँ, एक पॉजिटिव नंबर दूसरा नेगेटिव नंबर ऐड कर रही, क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, सर 3 आ रहा है पॉजिटिव 3। लेकिन अगर मैं 2 में माइनस 5 ऐड करूँ नेगेटिव आ रहा है ना, सर पॉजिटिव। -3। अच्छा और भी ये पॉजिटिव में 5 में माइनस 5 ऐड करने से 0 भी हो जाता है जो कि ना इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो बेटे बात ये है कि एक प्लस में माइनस ऐड करने से क्या होता है वो हमें पता नहीं चलता है, वो डिपेंड करता है वैल्यू के ऊपर, है ना, नंबर के वैल्यू के ऊपर। तो एक ट्रिक यहाँ पर याद रखो उसी से कि इवन फंक्शन में अगर ऑड फंक्शन ऐड करोगे, मतलब इवन को प्लस के साथ एसोसिएट करो, ऑड को माइनस के साथ एसोसिएट करो, तो इवन फंक्शन को जब ऑड फंक्शन में ऐड करोगे या फिर एक ही बात है, ऑड फंक्शन में इवन फंक्शन ऐड करोगे तो जो क्रिएट होगा वो नाइदर इवन नॉर ऑड होगा। ठीक है, नाइदर इवन नॉर ऑड, वो इवन भी नहीं होगा ऑड भी नहीं होगा, क्लियर है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूंगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फाइंड आउट वेदर इट इज इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। साइन एक्स खुद क्या है, ऑड फंक्शन है, कॉस एक्स खुद क्या है, इवन फंक्शन है, एक ऑड फंक्शन को इवन फंक्शन में ऐड किए हो, तो आपका आंसर क्या होगा, ये नाइदर इवन नॉर ऑड, इनवर्टेड। अच्छा ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अब देखो मल्टीप्लिकेशन का बात आता है, सुनो मेरे पास बेटे, दो पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करके क्या आता है एंड दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करके क्या आता है, अरे पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करके क्या पॉजिटिव या नेगेटिव आता है, अरे पॉजिटिव पॉजिटिव, सपोज पॉजिटिव नेगेटिव दो नंबर को मल्टीप्लाई करके क्या आता है, पॉजिटिव वही पॉजिटिव। पॉजिटिव अच्छा पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर में मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, सर नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव बात तो इससे बहुत सारे ट्रिक निकल गए क्या बेटे, देखो प्लस को किसके साथ एसोसिएट करते हैं, इवन के साथ एसोसिएट करते हैं, तो इवन फंक्शन को इवन फंक्शन में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटे, इवन फंक्शन आएगा, है ना, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस। माइनस को ऑड के साथ एसोसिएट करते हैं तो ऑड फंक्शन को ऑड फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, मतलब इवन आएगा, अरे समझ रहे हो, इवन इंटू इवन भी इवन आएगा, ऑड इंटू ऑड भी इवन आएगा। ठीक है, लेकिन एक इवन फंक्शन को अगर ऑड फंक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, क्या जाएगा, ऑड आ जाएगा, अरे सबको समझ में आ रहेगी, नहीं माइनस हो जाएगा, ऑड आ जाएगा। यस सर तो इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं, इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं, सपोज मैं आपको दिया हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और पूछा हूँ कि ये इवन है कि ऑड है, पहले बताओ साइन एक्स क्या है, ऑड है कि इवन है, ऑड है, कॉस एक्स क्या इवन है, यस ऑड है, तो ऑड इंटू इवन है, इवन, इवन है, हाँ तो ऑड इंटू इवन मल्टीप्लाई करने से क्या होगा बेटा, ऑड होता है ऑड को माइनस ऑड के साथ होता ऑड आएगा, है है। ना, दिमाग में ऑड को माइनस के एसोसिएट करो, इवन को प्लस के साथ एसोसिएट करो, माइनस इंटू प्लस आता है माइनस, तो ऑड इंटू इवन इज इक्वल टू ऑड आएगा, तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्या है बेटे, ऑड फंक्शन है, तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, एफ ऑफ माइनस डाल के चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बोल पाते हैं। अच्छा अगर मैं एफ ऑफ एक्स आपको दूं एक्स टू दी पावर 4 इंटू कॉस एक्स, क्या होगा, इवन फंक्शन होगा कि ऑड फंक्शन होगा, एक्स टू दी पावर 4 क्या है, इवन फंक्शन होगा ना, इवन कॉस इवन एक्स भी इवन है, इवन इंटू इवन क्या होगा, इवन इवन, इवन तो ऐसे बता सकते हो आगे चल क्या, तो ये ट्रिक याद रखोगे। ठीक है, सम स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन, ठीक है, तो इवन को प्लस के साथ एसोसिएट करो एंड ऑड को
माइनस के साथ एसोसिएट करो, आपसे हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं बेटे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पे। देखो बेटे नोट लिखते हैं कि एवरी फंक्शन बोल रहा हूं, मतलब ये फंक्शन आपका ऑड हो सकता है, ये फंक्शन इवन हो सकता है, ये फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड हो सकता है, ये फंक्शन बोथ इवन बोथ ऑड भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। एवरी फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो जाए, एवरी फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ यूनिक इवन एंड ऑड फंक्शन। बेटा को याद है मैट्रिक्स में एक चीज था कि ब्रह्मांड का कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप एक सिमेट्रिक एंड एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सॉम के रूप में एक्सप्रेस कर पाते हो, है? तो कुछ ऐसा यहाँ पर भी होता है कि दुनिया का कोई भी फंक्शन दे दूं, उसको आप एक इवन फंक्शन एंड एक ऑड फंक्शन के सॉम के रूप में एक्सप्रेस कर पाओगे। तो देखो बेटा आप एक बात बताओ, हियर एफ ऑफ एक्स इज एनी फंक्शन, एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज एनी फंक्शन, क्या मैं एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू लिख सकता हूँ? पहले ये बताओ क्या दोनों को ऐड करके एफ ऑफ एक्स आता है कि नहीं आता, जा चेक करो, एलसीएम लो वगैरह वगैरह, ब्ला ब्ला ब्ला, काटो काटो करो, देखो वही आता है यस सर। बस। अभी बेटे देखो ये जो है ना उसका जो ये जो पहला पार्ट है इसको ये होगा, ये होगा बेटे इवन फंक्शन, अब मैं दिखाऊंगा कैसे, और जो दूसरा पार्ट है ये होगा ऑड फंक्शन। अब सुनो फंक्शन यहाँ पर कोई भी हो जाए, कोई सा भी फंक्शन हो जाए, एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ माइनस एक्स ऐड करके टू डिवाइड करोगे तो वो हो जाएगा इवन फंक्शन। कैसे देखो बेटे, सपोज मैं इसका नाम जी ऑफ एक्स देता हूँ, लेट से जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू। अच्छा इस जी ऑफ एक्स को मैं अगर एक्स के जगह माइनस एक्स दू, जी ऑफ माइनस एक्स दू, तो आउटपुट क्या आएगा बेटे, जिधर जिधर एक्स लिखा है उधर उधर क्या लिख देने का, माइनस, जिधर जिधर एक्स लिखा है उसको उठाओ, उसके जगह माइनस एक्स को पटक दो, बेटे एफ ऑफ इधर एक्स लिखा है इधर क्या लिख देंगे, माइनस एक्स, इधर माइनस एक्स लिखा है बेटे एक्स के जगह माइनस एक्स लिख देना है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, और वही जी ऑफ एक्स आ गया कि नहीं, चेक कर लो, वही जी ऑफ एक्स आ गया कि नहीं, चेक करो। अरे 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 यस ऐसे लिखा, आड़ी से तो हो सर, रहा है ना। तो आप देख लो बेटे यहाँ पर एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन हो सकता है, हमें यहाँ पर एफ ऑफ एक्स किस टाइप का फंक्शन है वो पता भी नहीं है। तो एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन हो जाए, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू हमेशा इवन आता है, एफ ऑफ एक्स कुछ भी हो जाए। और बेटे यहाँ पर उसी तरह बेटे आप प्रूव कर सकते हो कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू ये हमेशा आपका क्या आएगा बेटे, ऑड फंक्शन आएगा, आप प्रूव भी खुद से कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं एच ऑफ एक्स को लिया, एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू। अच्छा यहाँ पर एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन हो सकता है, एच ऑफ माइनस एक्स क्या हुआ, जिधर उधर एक्स लिखा उधर उधर माइनस एक्स लिख देने का, तो ये जगह एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ, बेटा माइनस एक्स मतलब एक्स की जगह अगर माइनस एक्स रखोगे तो माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा। अच्छा 5 माइनस 3 इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस ऑफ 3 माइनस 5, आप उल्टा सकते हो माइनस कॉमन लेके, तो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स एक नंबर से दूसरा नंबर सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, अगर ये माइनस बाहर ले आऊँ तो इन दोनों को उल्टा भी सकता हूँ, मतलब माइनस बाहर लेके मैं इसको लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू। अरे समझ रहे हो, माइनस टू मतलब क्या आ गया, माइनस एच ऑफ एक्स आ गया कि नहीं आ गया, देखो एच ऑफ माइनस एक्स माइनस एच ऑफ एक्स आ गया, मतलब एच ऑफ एक्स क्या है बेटे, ऑड फंक्शन है। तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पर कुछ भी हो जाए, एफ ऑफ एक्स माइनस एम एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू हमेशा क्या आएगा बेटे, ऑड फंक्शन आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो बात ये कि कोई सा भी फंक्शन को हम एक इवन फंक्शन एंड एक ऑड फंक्शन के सॉम के रूप में जरूर एक्सप्रेस कर पाते हैं। ठीक है, तो मैं अगर आपको एफ ऑफ एक्स की जगह एक फंक्शन दे के बोलूँ कि उसको एक इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन के सॉम के रूप में एक्सप्रेस करो, तो आपको बस क्या करना है, ये कैलकुलेट करना है, पहले एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू कैलकुलेट करना है,
एफ ऑफ एक्स माइनस को माइनस एक्स बाई टू कैलकुलेट करना है और दोनों को ऐड करना है। एंड इट इज नॉट फॉर एग्जाम, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन एग्जाम के लिए नहीं है, यह आपके आगे इसका कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा 12th में, लेकिन इससे एग्जाम में कोई सवाल नहीं आएगा बिकॉज सिलेबस में नहीं है। यू गॉट इट और नॉट, समझ में आया मेरा बात? आ जाओ। यस सर। अच्छा सुनो, इधर एक बात सुनो, इधर हम आपको बोले थे ना कि एक इवन फंक्शन एंड एक ऑड फंक्शन को ऐड करोगे तो नाइदर इवन नॉर ऑड होगा, मतलब इवन भी नहीं होगा ऑड भी नहीं होगा। एक इवन फंक्शन में अगर एक ऑड फंक्शन को ऐड करो तो इवन नाइदर इवन नॉर ऑड, इवन भी नहीं होगा ऑड भी नहीं होगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है, अगर उनमें से वन एक फंक्शन जीरो फंक्शन हो गया, अगर उनमें से एक जीरो फंक्शन हो गया तो आपको पता चल सकता है कि फंक्शन कैसा होगा, तो पता चल सकता है। सपोज आप एफ ऑफ एक्स में जी ऑफ एक्स ऐड कर रहे हो एंड लेट्स से जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड लेट्स से एफ ऑफ एक्स इज इवन। अच्छा जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसको ऑड फंक्शन ही बोल सकते हैं, इनफैक्ट ये बोथ इवन एंड ऑड फंक्शन है, इसको ऑड फंक्शन ही बोल सकता हूँ। अब जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो यहां पर मैं ये नहीं बोलूंगा कि नाइदर इवन नॉर ऑड, इनफैक्ट यहां पर क्या होगा, दोनों को ऐड करने से एफ ऑफ एक्स ही आ जाएगा, और एफ ऑफ एक्स क्या है, इवन है, तो यहाँ पर इवेंट फंक्शन आ रहा है। तो इसका मतलब बेटे दो फंक्शन को ऐड कर रही हो, एक इवेंट दूसरा ऑड, तो ऐड करने से जो फंक्शन मिलेगा बेशक वो इवेंट भी नहीं होगा ऑड भी नहीं होगा, लेकिन एक एक्सेप्शन है, दोनों में से कोई जीरो फंक्शन नहीं होना चाहिए। अगर कोई जीरो फंक्शन हो गया तो पता कर सकते हो कि सॉम क्या होगा। यू गेट इट? क्लियर और नॉट? यस सर। अच्छा अच्छा अब आते हैं कुछ कॉमन फंक्शंस के ग्राफ देखेंगे, ठीक है? और स्टार्ट करेंगे बेटे आइडेंटिटी फंक्शन से। किससे स्टार्ट करेंगे? आइडेंटिटी फंक्शन से। अब आइडेंटिटी फंक्शन स्टार्ट करेंगे, और आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है बेटे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई एक्स, मतलब ये फंक्शन में आप जो भी इनपुट देते हो आउटपुट वही आ जाता है। इनपुट अगर हाथी दोगे आउटपुट हाथी निकल के आएगा, इनपुट घोड़ा दोगे तो आउटपुट घोड़ा निकल के आएगा, मतलब इनपुट एक्स है एंड आउटपुट एफ ऑफ एक्स है, और एफ ऑफ एक्स भी यहाँ पर एक्स ही आ रहा है, मतलब इनपुट आउटपुट बराबर। और आप सबको पता है कि आउटपुट को हम वाई भी बोलते हैं, तो वाई इज इक्वल टू एक्स, एफ ऑफ एक्स को वाई भी बोलते हैं क्योंकि हम वाई एक्सिस के अलावा पर सारे आउटपुट प्लॉट करते हैं एंड एक्स एक्सिस के अलावा पर सारे इनपुट प्लॉट करते हैं। तो बेटा इस फंक्शन का ग्राफ किसा होगा पता है? y इज इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, ग्राफ जैसा होगा वैसा ही हो जाएगा, ठीक है? y इज इक्वल एक्स स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आपको पता है कैसे होगा? स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन के स्ट्रेट साथ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। पासिंग थ्रू ओरिजिन, और उसका स्लोप 45 डिग्री रहेगा, सॉरी स्लोप उसका 1 रहेगा, मतलब इंक्लिनेशन 45 डिग्री रहेगा। तो ये y इज इक्वल एक्स का ग्राफ है, और ये भी आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ भी है ना? यहाँ पर इनपुट आउटपुट बराबर। देख लो बेटे इस ग्राफ के ऊपर कोई भी पॉइंट ले जाओ, उसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट सेम आता है। फॉर एग्जाम्पल इधर एक नंबर ए है और इधर भी एक नंबर ए हो रहा होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए कमा ए हो रहा होगा, क्योंकि इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है, वाई इज इक्वल टू एक्स, मतलब इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट ले जाओ उसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट इक्वल, और एक्स कोऑर्डिनेट होता है इनपुट, वाई कोऑर्डिनेट होता है आउटपुट, मतलब इसका इनपुट आउटपुट इक्वल। यू गॉट इट? अब सुनो मेरे बात, अब सुनो मेरे बात, आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन एंड रेंज देखो। मैंने बताया था फर्स्ट ईयर में डोमेन दो तरह की होता है, डोमेन कितने तरह की होता है, दो तरह की होता है, एक एक टाइप का डोमेन भगवान बनाए हैं, दूसरे टाइप का डोमेन हम इंसान बनाते हैं। अब क्या मतलब है भगवान का डोमेन बनाना और इंसान का डोमेन बनाना? बेटा बाइक का एग्जाम्पल फिर से बोलता हूँ, टाइम कितना हो गया? अरे 12:34 अरे आपका टाइम सर। ओवर हो ओके गया सर। ना, आपका टाइम ओवर हो गया, राइट? यू हैव ए क्लास? यस ओके सर। ओके, तो फिर आज आज इतना ही करते हैं, यस नेक्स्ट सर। क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? चलो चलो चलो, थैंक यू थैंक यू, सर। वेलकम, एटेंड सर। अटेंड।